जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्ना डेयरी फार्मिंग चैनल पर सभी भाइयों का एक और नए वीडियो के साथ बहुत वेलकम करता हूं। तो जी सामने आप देख रहे हैं जी, जो हम ब्रीडों पर काम कर रहे हैं वो सारी आपके सामने है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं जी, सबसे पहले साधना आप देख रहे हैं, उसके बाद सामने चंचल है और ये यहाँ पर थोर है। तो जी काफ़ी दिनों के बाद अच्छी धूप निकली है, इसलिए आज थोड़ा सा बाहर मौसम ठीक है, इसलिए इनको अंदर छोड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जी, जो ये शरारते कर रहे हैं। और एक जब छोटा काफ होता है तो मिट्टी खाने की सोचता है, इसलिए इसके मुंह पर ये जो छीका यानी कि मास्क लगाया हुआ है। तो जी जो हमने ब्रीडिंग पर काम किया है वो सारे रिजल्ट आपके सामने है। तो ये साधना बाहर भागने की कोशिश में आप देख सकते हैं। तो जी तीनों रिजल्ट की वीडियो आज पहली बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। तो जी साधना तकरीबन हो चुकी है जी 15 से 16 दिन की, और ये बाहर भागने के लिए उतावली है। और चंचल हो चुके हैं जी 14 तारीख से 5 महीने की जो हो चुकी है, चंचल 6 महीने में एंट्री कर चुके हैं। और जी ये थोर हो चुका है जी, 18 तारीख को हो जाएगा 2 महीने का। तो ये देखिए जिनकी मस्तियां और साधना की मैं दिखाऊं, तो इसको ये बाहर भागने के लिए उतावली हो रखी है, क्योंकि अगर मैं इसका मास्क खोल दूं तो जो है ये मिट्टी खाने को सोचेगी। तो अब ये काबू से बाहर हो रहे हैं तीनों, ये आप देख सकते हैं जी। और ये साधना बार बार बाहर भागने के लिए कोशिश कर रही है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जी कि तीनों रिजल्ट मैंने आपको पहली बार आज एक साथ दिखाए हैं। ये चंचल है जी और ये साधना है और ये थोर है जी। तो ये साधना मेरे पीछे पीछे लगी हुई है जी। तो जी तो जो भाई ये कहते रहते जी कि ब्रीडिंग पर काम करना है, ब्रीडिंग ब्रीड तैयार करनी है, तो जी इस तरीके से आप जो है अपने खुद के पशुओं पर अच्छा सीमन यूज करके अच्छी जो है नस्ल सुधार सकते हैं, अच्छे भविष्य में दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले साधना आप देख सकते हैं जी, कैसे जो है शरारत करते हुए और साथ के साथ थोर और फिर चंचल। तो एक बार तीनों की एज का डिफरेंस भी जो है मैंने आपको बताया है। चल चंचल इधर हो जा, चल 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 थोर, चलता भाग ऐसे भागो। तो एक बार तीनों अगर ये लाइन में खड़े हो जाए तो फिर मैं आपको इनका एज डिफरेंट दिखाऊंगा जी। तो ये देखिए ये कैसे कैसे शरारते देख सकते हैं जी। और ये चल चलता भाग भाग। तो ये देखिए जी, ये साधना तो मेरे पीछे लगी और ये देख सकते हैं जी, चल साधना भाग यहाँ से। तो जी एक दिन ने एक भाई ने कमेंट किया था जी कि आपके पास जगह थोड़ी है तो पशुओं का अच्छा प्रबंधन करें। तो जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा जी, अपने पास जो है जी वही आपको दिखाया जाता। अब जगह मेरे पास इतनी है तो जी तो ज्यादा कहाँ से लेके आए, तो इसी में जो है जी हम कोशिश कर रहे हैं। और जगह तो वैसे बाहर खाली पड़ी है, लेकिन टाइम आएगा तो वहां पर भी जो है अच्छे तरीके से फिर शेड बना करके जो है तैयारी की जाएगी पशुओं को रखने की। लेकिन अब नहीं है, जो भी है वो आपको हम दिखा रहे हैं जी। तो ये आप शरारते देख सकते हैं इनकी। तो जी ब्रीडिंग पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पशु पहले ही कम होते जा रहे हैं और उनमें से फिर अगर दुधारू पशु नहीं है तो फिर और कम होते जा रहे हैं। तो आप अच्छे सीमनों का यूज करें। और जी जो है सबसे मेन बात जो सीमन में देखने को आती है जी, कि सीमन डायरेक्ट विजिट करके आप ले तो उसमें ज्यादा बेनिफिट आपको भी होगा और जो है आगे नस्ल के लिए भी जो है ये चीज अच्छी होगी। रही इनके डाइट प्लान की बात, तो मैं आपके साथ अगर इनका डाइट प्लान शेयर करूं तो थोड़ी जरा आराम खोर रुक जाए मिनट, चल ये काफ में ये हरकतें करने की आदतें होती है जी। तो जी अगर चंचल की बात करूं तो चंचल को मैंने पूरे 3 महीने तक इसकी माँ का सारा दूध पिलाया जी। थोर अब तक अपनी माँ का सारा ही पी रहा है
और रही बात जो है साधना की, तो साधना भी अपनी माँ का सारा ही दूध पी रही है जी फिलहाल। तो ये बाहर जाने के लिए, गेट से बाहर जाने के लिए उतावली हो रखी है। आजा साधना इधर, आजा साधना, आजो इधर आओ, आजा साधना। तो जी चंचल के डाइट प्लान मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं सारे। अब इसका दूध मैंने जो जी बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल दूध बंद करने का कारण भी है, क्योंकि ये फिर खूंटे पर बंद थी नहीं है। एक दिन जो है इसने चोट मार दी थी, मेरे पैर तोड़ दिया होता यहाँ पर जो है जोड़े मोरी के अंदर लपेट कर गए, तो इसलिए अब इसका बिल्कुल दूध बंद है जी। ओनली फीड और चारा मैं इसको दे रहा हूँ, लस्सी दे रहा हूँ, और गर्मी के कारण तेल भी मैंने बंद किया हुआ है। तो ये थोर की हरकतें देख सकते हैं जी। अब इससे पहले ये इसकी हरकतें पिछली वीडियो में भी मैंने आपको जो है दिखाई थी। तो जी ये तीन करेक्टर्स आपके सामने है जी, और तीनों ही मेरे हिसाब से जैसा हमने मेहनत की जी, तो आप बताएं कि जी कैसे लगे आपको अपने जी तीनों रिजल्ट जो हमने तैयार किए हुए हैं। तो जी ये देख सकते हैं इनकी शरारतें आप। तो ये तीन मुर्रा और हरियाणा नस्ल आपके सामने कैसे धूल उठा दिया अभी इन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। और ये साधना इसको खुलवाने के लिए बेताब है बिल्कुल, कि भाई इसको खोले और मैं कुछ मिट्टी वगैरह खाऊं, क्योंकि काफ़ ये हरकतें बच्चों की तरह करते रहते हैं जी। तो तीन रिजल्ट आपको दिखाए हैं जी। और एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसा कि थोर के डाइट प्लान की बात की थी, तो ये धूल उठा दी जी थोर ने बहुत ज्यादा, देख सकते हैं आप। और M29 का बेटा है जी थोर, मैं बताऊं जो नए भाई जुड़े हैं, चंचल मोदी LDF की बेटी है, कई दिन हो चुके हैं जी नहलाए हुए, तो आपको लिबड़े तिबड़े ही तसे वगैरह गोबर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड में नहलाना ही जाता है। और ये देख सकते हैं जी आप इनकी शरारतें। तो ये थोर सबसे शरारती है जी, ये ऊपर चढ़ने की भी पूरी कोशिश करता है, ये देख सकते हैं इसकी एक्टिविटीज आप। तो ब्रीडिंग पर काम करें जी, अच्छे सीमनों का यूज करें, अपने पशुओं के प्रति जो है ज्यादा ध्यान रखें अगर ब्रीडिंग ही करनी है तो। और जो भाई पूछते रहते हैं जी कि हमें ज्यादा दूध की भैंस चाहिए, तो जी अपने घर से तैयार करें, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। या आपने जो जिनको देख रहे हैं स्टार्टिंग से, जिनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पास से लें, तब ज्यादा बेनिफिट जो है जी आपको इस मामले में होगा। तो जी वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय भी आप दे सकते हैं जी, कैसा आपको थोर लगा, कैसी आपको चंचल लगी, और कैसी जो है जी आपको हमारी जो है जी साधना लगी जो कि हरियाणा नस्ल में। तो जी ये थोर तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा जी, ये ऐसे ही शरारत करता रहेगा। तो जी ये देख सकते हैं आप। तो जी और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए ये देखिए जी आप थोर को देखें, ये इसकी शरारत ही देखिए जी आप। मैं इसकी शरारतें ही देखता रहता हूँ सारा दिन, और आज आपको भी दिखा रहा हूँ। चल चल, और ये साधना को भी देख सकते जी, चलो भागो। ये देखिए जी। तो जी तीन करेक्टर्स आपको मैंने दिखाए हैं, और उम्मीद करता हूँ जी जो हमने मेहनत की है जी जान लगा के, थोड़ी बहुत तो यहाँ पर सक्सेस आपके बताने से हो जाएगी कि जी क्या हमने ठीक मेहनत की हुई है या नहीं की हुई है। चलो भागो इधर से, चल चल भाग भाग चल चल भाग दो भागो भागो। और जी ऐसे ही आप जो है ब्रीडिंग पर आप भी काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको अपडेटें मिलती रहें। और ये थोर को देख सकते हैं जी, और ये साधना यहाँ पर, चल साधना इधर से भाग, यहाँ से भाग भाग, यहाँ से भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, ये भाग नहीं रही है जी, इसको बाहर निकलने का मन है, और ये बाहर पूरी भागने की कोशिश कर रही है। और ये चल थोड़ा इसको डराऊं मैं, चल भाग साधे भाग 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 साधा भाग भाग भाग, ये जा नहीं रही है जी धमकाने से भी, क्योंकि लाडली कोटली ज्यादा हो चुकी है। चल भाग यहाँ से, भगले 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 भगले। तो जी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको अपडेट जो है मिलती रहे।